आप देख रहे हैं ग्रामीण टीवी समाचार। हमारी खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को भी दबा लें। जनपद बाराबंकी में रामसनी घाट तहसील में जिला अधिकारी की अध्यक्षता में तहसील दिवस संपन्न किया गया। तहसील दिवस में पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद, मुख्य विकास अधिकारी एकता सिंह तथा सीएमओ, डीएफओ एवं अन्य संबंधित विभागों के विभाग अध्यक्ष मौजूद रहे। उक्त तहसील दिवस 10 बजे से प्रारंभ हुआ तथा 1 बजे दोपहर में समाप्त हो गया। 1 बजे से 2 बजे के बीच में शिवाजी छत्रपति साहू जी महाराज की प्रतिमा का अनावरण जिला अधिकारी द्वारा किया गया तथा चित्रगुप्त सभागार का मुख्य अतिथि के रूप में विधायक दरियाबाग सतीश चंद्र शर्मा ने फीता काटकर उद्घाटन किया तथा दिव्यांगों को साइकिल ड्राइव वितरण के बैनर पर मुख्य अतिथि के रूप में माननीय सांसद अयोध्या क्षेत्र के लल्लू सिंह जी मुख्य अतिथि के रूप में अंकित रहे, लेकिन लल्लू सिंह अपनी उपेक्षा को देखते हुए कार्यक्रम में शिरकत न करके बहिष्कार कर दिया। ऐसी दशा में दिव्यांग ट्राई साइकिल का वितरण भी उप जिलाधिकारी एवं डीएम द्वारा किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज व्यायामशाला एवं पार्क स्थल का लोकार्पण भी जिला अधिकारी बाराबंकी द्वारा किया गया। जिला ब्यूरो चीफ सूर्यमणि पांडे की विशेष रिपोर्ट। जिनके कार्यकाल में अल्प कार्यकाल में पिछले 4-6 महीनों में इस तहसील का न केवल इस तहसील प्रांगण का ही बल्कि कायाकल्प हुआ है, बल्कि मैं कहूँगा इस तहसील में भी एक नई कार्य प्रणाली देखने को मिली है, एक नई सकारात्मक कार्य प्रणाली देखने को मिली है, जो कि बातें सराहनीय है और उनकी ये कार्य प्रणाली तारीफ के काबिल है। आज के इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सब जानते हैं कि जो ये भारत सरकार की योजना है उसमें सबसे पहले हम लोग चिन्हित करते हैं हर वर्ष जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं पूरे जनपद में, उनका एक स्क्रीनिंग कैंप लगता है। उसके बाद जो भी फिर चिन्हित होते हैं उनकी जिस प्रकार की भी दिव्यांगता होती है उसकी पूरी सूची जाती है भारत सरकार को और वहाँ से फिर जो भी संस्था नामित है उनके द्वारा उस दिव्यांगता के अनुरूप जो भी उपकरण होता है वो भेजा जाता है और उसको फिर यहाँ पे उपलब्ध कराया जाता है, उसको क्रियाशील किया जाता है। पूरे जनपद में प्रत्येक तहसील में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस प्रकार से कार्यक्रम हो ताकि जनपद मुख्यालय तक आने की आवश्यकता ना पड़े ऐसे हमारे बच्चों को। और मैं उनको एक बात ये याद दिलाना चाहता हूँ कि आप अपने आप को किसी भी मायने में किसी भी सामान्य बच्चे से कम ना समझे। मैं तो ये समझता हूँ कि कोई भी जो हमारा दिव्यांग बच्चा है वो किसी भी सामान्य व्यक्ति से कहीं ज्यादा काबिल है, कहीं ज्यादा सक्षम है। और आज जो भी छोटी मोटी उनकी कमी थी वो इन उपकरणों के माध्यम से ये भी दूर हो जाएगी और मुझे पूरी आशा है कि आप ये हमारे जितने ये बच्चे हैं वो सब सब आसमानों की बुलंदियों को छुएंगे, सफल रहेंगे। उन्हें जो प्रशिक्षित करने वाले हमारे शिक्षक हैं, हमारे अभिभावक हैं, उनकी भी मैं तारीफ करना चाहता हूँ, उनकी भी सराहना करना चाहता हूँ कि आप लोग की मेहनत की वजह से, आप लोग की शुभकामनाओं की वजह से और इन बच्चों की काबिलियत की वजह से ये बच्चे एक ना एक दिन जरूर बुलंदियों को छुएंगे।